अब स्टार्ट करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर टाइप। तो देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो तो हमें पता है क्या होता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और वो इंटीग्रल वैल्यू होती है। ग्रेटेस्ट इंटीजर टाइप नाम से ही क्लियर है कि वो जो वैल्यू होती है वो एक इंटीग्रल वैल्यू होती है। ठीक है, सपोज इसको एक एग्जाम्पल से ही समझते हैं। सपोज वी हैव टू फाइंड आउट √2 + 1 रेस्ट टू द पावर 6, जो है इसकी हमें इंटीग्रल वैल्यू फाइंड करना है। इंटीग्रल वैल्यू फाइंड करना मीन्स व्हाट, इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो क्या होगा। इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा √2 + 1, पहले ये ऐड करो फिर उसकी पावर 6 करो, तो जो भी आता है जैसे 100.32 आ रहा है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 100, या 105.7 आ रहा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 105, या 102.98 आ गया तो क्या आ जाएगा 102 ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाएगा। तो ये जो है इसकी इंटीग्रल वैल्यू हमें फाइंड करना है। मीन्स व्हाट, ये जो एक्सप्रेशन है इसकी फाइंड द इंटीग्रल वैल्यू, इसके हमें इंटीग्रल वैल्यू फाइंड करना है। तो उसके लिए व्हाट यू डू, सबसे पहले तो देखो √2 + 1 रेस्ट टू द पावर 6 जो है इसका जो वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू जो होगी दैट विल बी कुछ तो इंटीग्रल पार्ट होगा प्लस कुछ फ्रैक्शनल पार्ट होगा। कुछ इंटीग्रल पार्ट होगा, कुछ क्या होगा फ्रैक्शनल पार्ट होगा। जैसे 102.98 लिया हमने तो इंटीग्रल पार्ट क्या हो जाएगा 102, और ये जो 0.98 है वो फ्रैक्शनल पार्ट में चला जाएगा। या जैसे हम लिखते हैं 2.31 लिखा है तो इसका जो इंटीग्रल पार्ट है वो क्या हो जाएगा 2, और जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो क्या हो जाएगा 0.31। ये तो हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर टाइप में, एक और एग्जांपल ले लेते हैं 7.03। 7.03 व्हाट इज द इंटीग्रल पार्ट, 7 व्हाट इज द फ्रैक्शनल पार्ट 0.03। ठीक है, तो ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है, देखो फ्रैक्शनल पार्ट है ये जो है 0 के इक्वल हो सकता है लेकिन 1 के इक्वल नहीं हो सकता। ये तो हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में भी देख लिया था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में भी हमने इसको देख लिया था। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है कुछ इंटीग्रल पार्ट होगा कुछ फ्रैक्शनल पार्ट होगा। ठीक है, ये जो है इसका एक्सपेंशन अगर मैं लिखता हूं तो क्या आएगा 6c0√2 की पावर 6, 1 की पावर 0, ये लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 6c1√2 की पावर 5, फिर 1 की पावर 5 वो तो 1 ही आएगा, फिर आएगा 6c2√2 की पावर 4, 6c3√2 की पावर 3, 6c4√2 की पावर 2। फिर आएगा 6c5√2 की पावर 1 + 6c6√2 की पावर 0। ये तो इसका एक्सपेंशन होगा। यहां पे क्या करता हूं, मैं एक और टर्म डिफाइन कर देता हूं, दैट इज व्हाट कैपिटल एफ, एंड दैट विल बी द कॉन्जुगेट ऑफ दिस। मीन्स इसमें से देखो √2 - 1 रेस्ट टू द पावर 6, अब माइनस हमें वहां पर लगाना है सो दैट ये जो वैल्यू आए ये पॉजिटिव आए। अगर मैं 1 - √2 लेता तो नेगेटिव वैल्यू हो जाती है, तो मैं माइनस यहां पर लगा देता हूं इसके कॉन्जुगेट की वैल्यू। ये जो f आएगा इसका भी एक्सपेंशन लिख दूं अगर मैं √2 - 1 रेस्ट टू द पावर 6, तो इसका एक्सपेंशन अगर हम लिखते हैं तो 6c0√2 रेस्ट टू द पावर 6, फिर -1 की पावर 0 दैट इज 1, फिर क्या होगा माइनस आएगा देखो 6c1, क्योंकि √2 की पावर तो ठीक है 5 लेकिन -1 की पावर 1 आएगा ना, तो वो नेगेटिव आएगा, तो इसलिए वो माइनस पहले ही लिख दिया मैंने। तो अब हमें पता है ये अल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा,
सी टू रूट टू की पावर फोर माइनस सिक्स सी थ्री रूट टू की पावर थ्री प्लस सिक्स सी फोर रूट टू की पावर टू माइनस सिक्स सी फाइव रूट टू की पावर वन प्लस सिक्स सी सिक्स रूट टू की पावर जीरो। ये जो f है रूट टू माइनस वन, तो यहां पे क्या करता हूं मैं, अब इसको और इसको दोनों को ऐड करता हूं मैं, इसको और इसको क्या करता हूं मैं ऐड करता हूं। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो व्हाट आई विल गेट, i प्लस f प्लस कैपिटल f, इन दोनों को ऐड करता हूं मैं तो ये देखो ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये और ये वाली टर्म, बाकी टर्म्स क्या हो जाएगी ट्वाइस हो जाएगी। तो डायरेक्टली लिख दूं टू टाइम सिक्स सी जीरो रूट टू की पावर सिक्स मीन्स और टू का क्यूब प्लस सिक्स सी टू रूट टू की पावर फोर मीन्स और टू का स्क्वायर प्लस सिक्स सी फोर रूट टू का स्क्वायर मीन्स और टू प्लस सिक्स सी। अब ये वैल्यू तो हम फाइंड आउट कर ही सकते हैं, क्या होगा आई प्लस एफ दैट विल बी इक्वल टू टू टाइम्स सिक्स सी जीरो दैट इज व्हाट वन टू का क्यूब एट प्लस सिक्स सी टू दैट इज व्हाट फिफ्टीन इंटू फोर टू का स्क्वायर दैट इज व्हाट सिक्सटी। ये वैल्यू डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, फिर सिक्स सी फोर अगेन 15 इंटू टू दैट इज वॉट 30 प्लस 6C6 दैट इज वॉट 1, तो ये वैल्यू आएगी 198, तो I प्लस F विल बी इक्वल टू वॉट 198। लेकिन हमें तो क्या फाइंड करना है, I इंटीग्रल पार्ट फाइंड करना है ना, तो उसके लिए देखो जो अपना स्मॉल एफ है वो तो जीरो से वन के बीच में लाई कर रहा है, और ये जो कैपिटल एफ है ये भी देखो जीरो से वन के बीच में ही लाई कर रहा है। कैपिटल एफ जो है वो भी क्या आ रहा है, जीरो से वन के बीच में लाई कर रहेगा, क्यों रूट टू माइनस वन पॉइंट फोर वन फोर की पावर सिक्स, जैसे जैसे पावर इंक्रीज होगी वैल्यू और कम होगी, तो ये वैल्यू ऑब्वियसली वन से कम होगी लेकिन जीरो से तो ग्रेटर रहेगी। अब क्या करते हैं, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो ये क्या आएगा, जीरो इज लेस देन एफ प्लस एफ इज लेस देन टू, ये आ गया, दोनों को क्या किया मैंने ऐड कर दिया। अब यहां पे देखो ये इंटीजर है ये इंटीजर है, तो ऑब्वियसली इन दोनों का सम भी क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए, इन दोनों का सम भी क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए, ठीक है, इन दोनों का सम जो है वो इंटीजर आना चाहिए। उसके लिए देखो f प्लस f जो है जीरो से टू के बीच में लाई कर रहा है और इंटीजर भी है, तो एक ही पॉसिबिलिटी है दैट इज व्हाट f प्लस f विल बी इक्वल टू व्हाट वन हो जाए, एफ प्लस एफ क्या हो जाए वन हो जाए, एफ प्लस एफ इज इक्वल टू क्या हो जाए वन हो जाए, ये वैल्यू क्या रख दें वन रख दें तो आई क्या आ जाएगा 197। मीन्स ये जो है रूट टू प्लस वन रेस्ट टू द पावर सिक्स, इसकी जो इंटीग्रल वैल्यू आएगी वो आएगी 197, मीन्स ये वैल्यू 197 पॉइंट समथिंग आएगी, ठीक है ओके। तो मैं एक बार और इसकी स्टेप्स रिपीट कर देता हूं क्योंकि एक बार में याद नहीं रहती है। सबसे पहले रूट टू प्लस ये जो भी दिया है उसके हमें इंटीग्रल वैल्यू अगर फाइंड करना है तो उसको कुछ भी आई प्लस एफ एज्यूम कर लिया, फिर ये वैल्यू हमें ऐसी रखना है कि पॉजिटिव आए, तो देखो रूट टू माइनस वन करके उसको कैपिटल एफ कर लिया, दोनों के एक्सपेंशन लिख दो। अब एड करना है या सेपरेट करना है दैट विल डिपेंड, देखो यहां पे हमें क्या करना है इरेशनल टर्म्स हटाना है
तो देखो रूट टू की पावर सिक्स ये तो क्या रैशनल रहेगा, रूट टू की पावर फाइव ये क्या इरेशनल, मीन्स इरेशनल टर्म हटाना है तो क्या कर दूं, ऐड कर दूं तो ये कैंसिल हो जाएगी ना, देखो सब जगह इरेशनल टर्म्स क्या हो गई, कैंसिल हो गई। कई बार हो सकता है हमें कि इनको सेपरेट करना पड़े, उससे इरेशनल टर्म्स कैंसिल होगी, तो हमें देखना पड़ेगा कि दोनों को एक्सपेंशन लिखने के बाद ऐड करना है या फिर सेपरेट करना है, ठीक है ओके। तो ये तो अगर हम ऐड करते हैं तो f प्लस एफ की वैल्यू तो 1 आएगी, लेकिन अगर इन दोनों को मैं सेपरेट करूं, f माइनस एफ अगर मैं करता हूं तो f माइनस एफ जो आएगा, f माइनस एफ जो आएगा ये भी अगर इंटीग्रल वैल्यू है तो ये 0 आएगा, f माइनस एफ जो है ये क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। f माइनस एफ विल बी इक्वल टू 0 मीन्स स्मॉल f विल बी इक्वल टू कैपिटल f, इसकी जरूरत कहां पड़ेगी जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ओके। एक और एग्जांपल लेते हैं ओके इसकी हमें इंटीग्रल वैल्यू फाइंड करना है रूट थ्री प्लस वन रेस्ट टू द पावर फाइव, ठीक है इसकी इंटीग्रल वैल्यू हमें फाइंड करना है, जस्ट राइट आउट। इसकी इंटीग्रल वैल्यू फाइंड करते हैं तो देखो सबसे पहले तो क्या होगा, ये जो है इसको एज्यूम कर लेता हूं मैं आई प्लस एफ जो भी वैल्यू है, इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, दैट विल बी रूट थ्री प्लस वन रेस्ट टू द पावर फाइव। अब यहां पे मुझे कैपिटल एफ भी एज्यूम करना पड़ेगा, कैपिटल एफ ये वैल्यू जो है अपनी पॉजिटिव आना चाहिए, तो वन माइनस रूट थ्री करूं या रूट थ्री माइनस वन, रूट थ्री माइनस वन, रूट थ्री माइनस वन रेस्ट टू द पावर व्हाट फाइव। अब देखो इसको लिखो क्या आएगा, इसका दोनों के एक्सपेंशन लिख दो, फाइव सी जीरो रूट थ्री की पावर फाइव, फाइव सी वन रूट थ्री की पावर फोर, फाइव सी टू रूट थ्री की पावर थ्री, फाइव सी फोर रूट थ्री की पावर, फाइव सी थ्री आएगा ना पहले टू, फाइव सी फोर रूट थ्री की पावर वन, और क्या आएगा फाइव सी फाइव रूट थ्री की पावर जीरो, ठीक है। अब ये देखते हैं तो यहां पे देखो अल्टरनेट प्लस माइनस आ जाएगा, पहले तो प्लस फाइव सी जीरो रूट थ्री की पावर फाइव माइनस फाइव सी वन रूट थ्री की पावर फोर प्लस फाइव सी टू रूट थ्री की पावर थ्री माइनस फाइव सी थ्री रूट थ्री की पावर टू प्लस फाइव सी फोर रूट थ्री की पावर वन माइनस फाइव सी फाइव रूट थ्री की पावर जीरो। अब यहां पर देखो अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो इरेशनल टर्म्स कैंसिल हो रही है, सब्ट्रैक्ट करने पे क्लियरली देखो सब्ट्रैक्ट करने पे देखो ये रूट थ्री की पावर फाइव इरेशनल है, रूट थ्री की पावर फाइव इरेशनल है, अब इनको कैंसिल करना है मीन्स वॉट दोनों को सेपरेट करना पड़ेगा, तो देखो रैशनल वाली अपने आप एड हो जाएगी अगर सेपरेट करता हूँ, तो वट आई विल डू फर्स्ट माइनस सेकेंड कर देता हूँ, तो क्या होगा आई प्लस एफ माइनस एफ विल बी इक्वल टू टू टाइम्स, ये तो कैंसिल हो जाएगा सेपरेट कर रहा हूँ तो बाकी ये कैंसिल होगा, फिर ये कैंसिल होगा, बाकी ट्वाइस हो जाएगी फाइव सी वन रूट थ्री की पावर फोर थ्री का स्क्वायर प्लस फाइव सी थ्री रूट थ्री का स्क्वायर दैट इज व्हाट थ्री, फाइव सी फाइव रूट थ्री पावर जीरो दैट इज व्हाट वन, तो यह आ जाएगा फाइव सी वन दैट इज व्हाट फाइव इंटू नाइन फोर्टी फाइव, फाइव सी थ्री टेन इंटू थ्री थर्टी प्लस फाइव सी फाइव वन, ये क्या आ जाएगा फोर्टी फाइव सॉरी फोर्टी फाइव ये हो जाएगा फोर्टी तो सेवेंटी फाइव सेवेंटी सिक्स, सेवेंटी सिक्स मीन्स वॉट वन फिफ्टी टू। आई प्लस एफ माइनस एफ
ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, तो ऑब्वियसली इसको भी इंटीजर होना पड़ेगा। इसकी इंटीग्रल वैल्यू हमने देखी थी ना, क्या थी? जीरो। तो आई क्या आ गया? आई आ गया 152। मीन्स इसकी जो इंटीग्रल वैल्यू आएगी दैट विल बी व्हाट, 152 आएगी। याद है ना, स्मॉल एफ माइनस कैपिटल एफ जीरो, और स्मॉल एफ प्लस कैपिटल एफ वन। कब ऐड करना है, कब सब्ट्रैक्ट करना है, वो क्या करना पड़ेगा हमें, उसका कुछ एक्सपेंशन लिखना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा कि ऐड करने पे इरेशनल टर्म्स कैंसिल हो रही है, सब्ट्रैक्ट करने पे उसमें क्या होता है कि हाफ ऑफ द टर्म्स विल बी कैंसल्ड। ठीक, ओके। एक और एग्जांपल करते हैं, देन इट विल बी मोर क्लियर। थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सपोज एक्स इज इक्वल टू गिवन है 7 + 4√3 रेस्ट टू दी पावर 2n। ये दिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर x, मीन्स वही इंटीग्रल पार्ट, दैट इज व्हाट, i प्लस f। उसने ये डिफाइन करके दे दिया, x की वैल्यू ये है, तो x की वैल्यू कुछ इंटीग्रल वैल्यू होगी प्लस कुछ फ्रैक्शन वैल्यू होगी। इसको मैं अगर वैल्यू निकाल के रेस्ट टू पावर 2n करूंगा तो कुछ तो फ्रैक्शन वैल्यू आएगी। तो यहाँ उसने उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर में दिखा दिया i को। देन वी हैव टू फाइंड आउट x इंटू 1 - f, x इंटू 1 - f की वैल्यू फाइंड करना है। तो पहले ये f फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके लिए देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर सबसे पहले क्या करें, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस f इज इक्वल टू क्या, इसका एक्सपेंशन लिखें क्या, 7 + 4√3 रेस्ट टू द पावर व्हाट 2n। इसका एक्सपेंशन लिखूंगा तो क्या आएगा, 2nc0 7 की पावर 2n 4√3 की पावर क्या आएगा, 0 प्लस 2nc1 7 की पावर 2n - 1 4√3 की पावर 1 प्लस 2nc2 7 की पावर 2n - 2 4√3 की पावर 2 एंड सो ऑन। फाइनली आएगा 2nc2n 7 की पावर 0 4√3 की पावर 2n। ये तो अपना ये आ गया i प्लस f। अब हमें कैपिटल f भी तो लिखना पड़ेगा, कैपिटल f 7 > 4√3 4√3 या 6.8 समथिंग आएगा या 6.9, 7 greater है तो क्या करना पड़ेगा, 7 - 4√3 लिख दूं की पावर 2n, 7 - 4√3 करना पड़ेगा तभी ये पॉजिटिव आएगा। अब क्या करें, इसका एक्सपेंशन लिख दें, 2nc0 7 की पावर 2n 4√3 की पावर 0 प्लस 2nc1 7 की पावर 2n - 1 4√3 - की पावर 1 प्लस एंटोन। अल्टरनेट चलता जाएगा ये। अब मैंने केवल तीन टर्म्स ही लिखी है, उससे ही हमें केवल ये चेक करना है कि ऐड करने पे इरेशनल टर्म्स कैंसिल हो रही है या सब्ट्रैक्ट करने पे। अब देखो ये क्या रैशनल है, ये रैशनल है, क्या कर दोनों को ऐड कर दूं तो बाकी जो इरेशनल टर्म है 4√3 ये -4√3 आएगा, कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस आएगा ना, ये बाहर माइनस निकालूंगा तो ऐड करने पे इरेशनल टर्म्स जो है वो कैंसिल हो रही है ऐड करने पे। तो क्या आएगा यहाँ से, क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस f प्लस f इज इक्वल टू जो भी आएगा 2 times सम इंटीजर आएगा। मैं पूरी वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं है हमें, केवल क्या देखना है, ये इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर आएगा तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, एक इंटीजर होना पड़ेगा। तो f प्लस f, यहां देखो f प्लस f क्या आएगा, 1 आएगा, ऐड किया है ना हमने। अब हमें फाइंड क्या करना है, x इंटू 1 - f फाइंड करना है, तो दैट इज इक्वल टू x इंटू 1 - f की जगह क्या लिख सकता हूं, कैपिटल f लिख दो। ये हमने पूरी वैल्यू फाइंड आउट नहीं करी है, हमें पता है कि इंटीजर आएगा,
क्योंकि सब रैशनल आएगा ना, x इंटू एफ। अब फाइंड करते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड करना है ना। x क्या है अपना, 7 प्लस 4 रूट 3 की पावर 2n इंटू, कैपिटल एफ क्या है, 7 माइनस 4 रूट 3 की पावर 2n, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्यों पावर सेम है ना। तो चाहो तो ऐसा लिख लो, 7 प्लस 4 रूट 3 इंटू 7 माइनस 4 रूट 3 होल की पावर क्या आ जाएगा, 2n आ जाएगा, पावर सेम है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर दैट इज 49 माइनस बी स्क्वायर 48 की पावर 2n, तो क्या हो गया 1 की पावर 2n दैट इज इक्वल टू व्हाट 1। ये जो वैल्यू है हमारी, इसकी वैल्यू क्या आ गई, दैट इज इक्वल टू व्हाट 1, ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें केवल इतना चेक करना है कि ऐड करने पे रैशनल टर्म्स आ रही है, सबट्रैक्ट करने पे, दैट्स इट, ऐड करने पे आ रही है तो f प्लस f 1 हो जाएगा, सबट्रैक्ट करने पे आ रही है तो f माइनस f क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, चलो पहले इसको नोट कर लो, फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। इफ 5 प्लस 2 रूट 6 रेस्ट टू द पावर n इज इक्वल टू सम इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, देन प्रूव दैट दैट इंटीग्रल पार्ट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस f माइनस f, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, जस्ट ट्राई इट आउट। तो सबसे पहले तो क्या करें, 5 प्लस f, ये देखते हैं 5 प्लस 2 रूट 6 रेस्ट टू द पावर n, इसका एक्सपेंशन लिखा n c 0 5 की पावर n 2 रूट 6 की पावर 0 प्लस 5 c 1 5 की पावर n माइनस 1 2 रूट 6 की पावर 1 प्लस 5 c 2 5 की पावर n माइनस 2 2 रूट 6 की पावर 2 प्लस, सॉरी ये 5 कहां से आ गया है, n आएगा, फिर आएगा n c n 5 की पावर 0 2 रूट 6 रेस्ट टू द पावर n। ये तो हमने क्या लिख दिया, 5 प्लस 2 रूट 6 रेस्ट टू द पावर n का एक्सपेंशन। अब क्या हम कैपिटल F एज्यूम करें, अब 2 रूट 6 माइनस 5 करो या 5 माइनस 2 रूट 6, तो 2 रूट 6 ये आएगा 4.8 समथिंग, तो ऑब्वियसली 5 ग्रेटर है, मींस व्हाट, 5 माइनस 2 रूट 6 रेस्ट टू द पावर n। अब क्या होगा, अल्टरनेट प्लस माइनस आ जाएंगे, n c 0 5 की पावर n माइनस 2 रूट 6 की पावर 0 माइनस n c 1 5 की पावर n माइनस 1 2 रूट 6 की पावर 1 प्लस n c 2 5 की पावर n माइनस 2 2 रूट 6 की पावर 2 प्लस माइनस एंड सो ऑन, फाइनली प्लस माइनस 1 रेस्ट टू द पावर n आ जाएगा, n c n 5 की पावर 0 2 रूट 6 रेस्ट टू द पावर n। अब देखो इन दोनों को ऐड करने पे रैशनल टर्म्स कैंसिल हो रही है, सबट्रैक्ट करने पे, क्लियरली ऐड करने पे, ऐड करने पे इरेशनल टर्म्स क्या हो रही है, कैंसल हो रही है। ठीक है, देखो क्या होगा, ये रैशनल है ऐड हो जाएगी, ये देखो इरेशनल है 2 रूट 6 पावर 1, तो देखो ऐड कर दूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगी एंड सो ऑन, ऐड करने पे इरेशनल टर्म्स कैंसिल हो रही है। तो यहां पे देखो यह क्या हो जाएगा, ये आई प्लस एफ इज इक्वल टू 2 टाइम्स सम इंटीग्रल वैल्यू, जो भी बाइनोमियल और रैशनल कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई होंगे तो इंटीग्रल वैल्यू ही आएगी ना, ये इंटीजर है ये इंटीजर है। अब तो तुम्हें पता चल गया होगा कि स्मॉल एफ प्लस कैपिटल एफ ये भी इंटीजर होना चाहिए, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, अगर सबट्रैक्ट होता तो 0 हो जाती है। एफ प्लस f इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अब क्या करें, ये इंटीग्रल वैल्यू देखना है हमें,
तो यहां पे देखो, अगर मैं आई प्लस एफ इंटू कैपिटल एफ इसकी वैल्यू फाइंड आउट करता हूं, तो क्या आता है वो देखो, आई प्लस एफ 5 प्लस 2 रूट 6 रेस्ट टू द पावर एन इंटू कैपिटल एफ 5 माइनस 2 रूट 6 रेस्ट टू द पावर एन, ये क्या होगा 25 माइनस 24 रेस्ट टू द पावर एन, दैट इज व्हाट 1। तो कैपिटल एफ क्या आ गया 1, सॉरी आई प्लस एफ क्या आ गया आई प्लस एफ 1 बाय कैपिटल एफ। तो यहां से आई क्या आ गया, आई विल बी इक्वल टू 1 बाय एफ माइनस एफ। अब कैपिटल एफ की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, 1 माइनस एफ लिख दूं स्मॉल एफ, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस स्मॉल एफ माइनस एफ, हो गया प्रूफ। तो हमें केवल इतना ध्यान रखना है कि ऐड करने पे रैशनल टर्म्स आ रही है या सेपरेट करने पे, मीन्स ऐड करने पे इरेशनल टर्म्स कैंसिल हो रही है या फिर सेपरेट करने पे, तो दो ही केसेस आएंगे ऑलवेज, एफ प्लस एफ या तो वन रहेगा या फिर एफ माइनस एफ इज इक्वल टू जीरो, ऐड करेंगे तो वन सेपरेट करेंगे तो जीरो। और एक ध्यान यहां पे रखना है कि माइनस कहाँ लगाना है जब हम कैपिटल एफ लिखते हैं, सो दैट ये वैल्यू पॉजिटिव आए, दैट्स इट, क्लियर है इतना।